नमस्कार दोस्तों, मेरे आप लोग मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी लेटेस्ट अपडेट है। यूपीपीएससी 2022 का जो रिजल्ट था प्रीलिम्स का, वो जारी कर दिया गया था जो 12 जून को हुआ था दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं कितने कैंडिडेट सफल घोषित हुए, टोटल 5964 स्टूडेंट। अब देखिए कट ऑफ जो इस, अब इसमें क्या है कि जो फाइनल रिजल्ट आता है 2022 का, जो फाइनल रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स में सर इंटरव्यू के बाद तब देते हैं, लेकिन कट ऑफ प्रीलिम्स का कितना क्या लास्ट में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कितने रिजल्ट आए। देखिए आप इसमें रोल नंबर डाल के यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखिए रोल नंबर वाइज दिया गया है। और एक चीज़ और डिस्कस करना चाहेंगे कि देखिए ऑलरेडी मैं एक प्लेलिस्ट डाला हुआ था कल, और हम ये बताए हुए थे कि कल रात तक या आज शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, और आज शाम को 7 बजे तक रिजल्ट आ गया जैसे आयोग की बैठक हुई। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कट ऑफ की। इस बार जो कट ऑफ गया, देखिए कट ऑफ 85+, जिनके 85 क्वेश्चन सही हैं, प्लस माइनस, माइनस तो नहीं प्लस, जिनके 85-86 तक सही हैं उन लोगों को सिलेक्शन हो गया दोस्तों। देखिए कल के वीडियो में डिस्कस किए थे कि लोग ये बोल रहे थे यूट्यूब पे कि 12 से 13 क्वेश्चन ऑलरेडी आयोग डिलीट कर रहा है, जबकि ये फेक न्यूज़ था। आयोग देखिए दो या हार्डली 3 क्वेश्चन कर सकता था, वो भी जो रिवाइव आंसर की आएगी बाद में तो पता चलेगा, 2 या 3 क्वेश्चन किया होगा सिर्फ। और कट ऑफ के लिए इसी वजह से कट ऑफ जो, अब इसका देखिए कैपिंग हो गया 85+, 85 के अराउंड जिन लोगों के भी होते हैं, और जिसके 90+ हो रहे हैं 100% उनका सिलेक्शन होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कट ऑफ, देखिए सर बहुत ज़्यादा नहीं गई है, कट ऑफ वहीं जाती है, न तो बहुत कम गई है न तो बहुत ज़्यादा। तो जिन लोगों के इतने हैं उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स कलीग्स हैं जिन लोगों के हुए हैं, और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग निराश ना हो, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। वो लगे रहें कंटिन्यू, प्रीलिम्स के लिए तैयारी भी शुरू कर दें, क्योंकि 2023 के लिए सेलेक्शंस होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट था।